हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हाइब्रिड फिजिक्स मोशन इन वन डायमेंशन। हाइब्रिड फिजिक्स में जैसा आप जानते हैं, हम कवर करते हैं मैक्सिमम एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ फिजिक्स इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। जो स्टूडेंट जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मिनिमम टाइम के अंदर फिजिक्स की कंप्लीट कवरेज यहाँ पे मिलेगी। नाउ आई जस्ट टेक अप अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास। हमने बात करी थी कुछ चीज़ों की, मैं पोजी को कहूँगा रिकैप के बारे में बताएं। रीकैप हम यहाँ पे लेते हैं। हमने तीन पॉइंट्स पिछली क्लास में कवर करे थे। रेफरेंस फ्रेम, मैंने कहा था रेफरेंस फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, धीरे धीरे हम रेफरेंस फ्रेम की डेप्थ तक जाएंगे। अभी हमने सिर्फ इतना कवर किया कि रेफरेंस फ्रेम वो रीजन है जहाँ से किसी भी बॉडी के मोशन के पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है, यानी उसकी स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, जितने भी इनर्शियल पैरामीटर्स होते हैं मोशन के, उन सारे पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है। उस रीजन को, उस जगह को रेफरेंस फ्रेम हम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल्स मोशन हम ये कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन पाथ। थर्ड पॉइंट हमने कवर किया था स्पीड एंड वेलोसिटी, जब कुछ गिवन नहीं है, कॉन्स्टेंट केसेज हैं, हम बात करते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की। किसी भी केस के अंदर जब स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बात की जाए, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, आप इस बात को ध्यान रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। और यहीं पे हमने फर्स्ट फार्मूला, K1 फार्मूला इस चैप्टर का डिस्कस किया था। बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे वेलोसिटी या स्पीड को हम कह सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, वो सारे एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप थे, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। लेकिन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे क्वेश्चन ईजी हो या डिफिकल्ट हो, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करना। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उतने ही वेटेज के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग होगी कि चाहे वो क्वेश्चन ईजी हो या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो, आप उतनी ही के साथ सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ, स्टेप बाय स्टेप कुछ और केसेस इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और केसेस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि किस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया जा सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आइए कवर अप करते हैं। आई रिक्वेस्ट पोजी टू क्लियर ऑफ द बोर्ड। किसी भी पार्टिकल के मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है और अगर उसकी स्पीड कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, या वेरिएशन इन स्पीड है, तो इस तरह के केसेस को जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, हमें सॉल्व करने में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। डेफिनेशन वाइज देर इज़ नो कन्फ्यूजन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कहेंगे वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। लेकिन कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि इंस्टेंट पे पार्टिकल एक ही पोजिशन पे हो सकता है, एक टाइम पे पार्टिकल मल्टीपल पोजिशंस पे नहीं हो सकता। सो पार्टिकल एक इंस्टेंट पे मूव कैसे कर रहा है, एक इंस्टेंट पे तो पॉज स्टेट होती है, तो उसकी वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, एक पार्टिकल पी है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे अगर इसका पोजीशन एक्स है, सो हम इसके बहुत ही शॉर्ट नेबरहुड में एक डिफरेंशियल टाइम एलिमेंट कंसीडर करते हैं, यानी टी प्लस डी टी। मतलब हम सिर्फ इतनी सी ड्यूरेशन कंसीडर कर रहे हैं कि टाइम टी से टी प्लस डी टी तक की ड्यूरेशन में, इतने से टाइम में, एलिमेंटल टाइम में पार्टिकल कितना चलता है। अगर ये पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इतनी दूरी में ये एक्स से एक्स प्लस डी एक्स पोजिशन तक आ जाएगा, यानी सिर्फ ये एक एलिमेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन एलिमेंटल टाइम ड्यूरेशन। और ये जो डी एक्स और डी टी हैं, हम कह सकते हैं डी एक्स और डी टी बोथ ऑफ दीज आर टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि ये डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं। हम डिफरेंशिएशन में बात कर चुके हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है स्लाइट वेरिएशन, नेग्लिजिबल वेरिएशन। सो अगर ये पॉइंट हम पी डिनोट करें, तो हम ये कह सकते हैं, या पी ऑलरेडी मैं पार्टिकल का नाम ले चुका हूं, तो इस पॉइंट को अगर मैं ए डिनोट करूं, तो मैं ये कह सकता हूं वेलोसिटी एट ए, दिस इज वी ए, आई कैन राइट एज डी एक्स बाई डी टी। आप या तो इसे समझें कि ए पॉइंट के डिफरेंशियल एलिमेंट के अंदर इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, यानी डी टी टाइम में डी एक्स डिस्टेंस चला, सो एवरेज वेलोसिटी हुई डी एक्स बाई डी टी, बट एवरेज एक नेग्लिजिबल टाइम ड्यूरेशन की है, सो हम ये कह सकते हैं दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए।
सो इस ए पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी dx by dt, यानी अगर हमें पोजीशन गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करके आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ एप्लीकेशंस लेते हैं। इस इलस्ट्रेशन में हमें दिया गया, इफ ए पार्टिकल पोजीशन इज गिवन एज x इक्वल्स टू 5t² + 3t + 2, यानी टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 2 सेकंड। सो जैसा हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी इज गिवन एज टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, सो पार्टिकल की वेलोसिटी v हम लिख सकते हैं dx by dt। आप इस फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर कुछ स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, सॉलिड एंगल जैसे फंडामेंटल बेसिक टूल्स में प्रॉब्लम है, सो वो पहले physicsgalaxy.com वेबसाइट पे जाके इन फंडामेंटल टूल्स के बेसिक वीडियोस को सीक्वेंस में देख लें, ताकि वो पूरी फिजिक्स में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज करेंगे डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन, दिस गिव्स 10t + 3, और हमें t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी ये, तो t इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने पे आता है 10 × 2 + 3 विच गिव्स 23 m/s, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए एक और एप्लीकेशन लेते हैं, बट मैं फिर से रिपीट करूंगा, इतने इजी क्वेश्चन से लेके किसी भी लेवल तक के क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करनी है, क्वेश्चन को उसी सीरियसनेस के साथ हैंडल करना है जैसे आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर सीरियस रहते हैं। आप बहुत जल्दी पाएंगे कि हर तरह के क्वेश्चन को उसी ईज के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें। इस इलस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं कार की, जिसके बारे में दिया गया, द कार इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन वेरीज विद टाइम। इस कार की भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, हमें दिया गया x इज इक्वल्स टू 40e2t। पिछले इलस्ट्रेशन में हमने फंक्शन जो लिया था वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कैसे भी फंक्शन दिए जा सकते हैं। हमें निकालनी है पार्टिकल की वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, और एक कैलकुलेशन फैक्ट हमें दिया गया 2.71² = 7.34। सो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, अगेन द क्वेश्चन मेथडोलॉजी सिंपल, वेलोसिटी हम निकालेंगे टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। सो अगर 40e2t को आप डिफरेंशिएट करेंगे, 40 एक कांस्टेंट है, e2t का डिफरेंशिएशन हमारे पास आता है 2e2t, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 80 × e2t। यहाँ पे आप टाइम सब्सटीट्यूट करेंगे 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, सो वैल्यू हमारे पास आती है 80 × e² e का न्यूमेरिकल वैल्यू इफ यू सब्सटीट्यूट दिस 2.71² जिसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है 7.34। सो अगर हम यूज करते हैं दिस 80 × 7.34, इफ यू मल्टीप्लाई दिस गिव्स 0.2785 m/s। ये हमारे पास आ जाती है हमारी वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है हमें पोजीशन से, सो डायरेक्टली आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा वेलोसिटी होती है टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बेस किस किस तरह के केसेस बन सकते हैं, या किस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू टेक अप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे बड़ी चीज हम ये देखने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या कितने अलग अलग तरह के केसेस इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बनाए जा सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज 3 वेज, 3 तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या 3 तरीके से किसी भी केस के अंदर, किसी भी मोशन के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दिया जा सकता है। जो 3 तरीके हैं उनमें फर्स्ट मेथड आप कर चुके हैं कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी हम ये कह सकते हैं उसका यूनिफॉर्म मोशन है। सो अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, सो हमने ये डिस्कस किया था कि उसकी पोजीशन को हम वेलोसिटी इनटू टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो था हमारा फॉर्मूला K1 या कॉन्सेप्ट K1, जिसमें हमने कई इलस्ट्रेशन लिए थे। इसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हो सकती हैं, वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन।
यानी मोशन के अंदर अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो वो या तो टाइम का फंक्शन दी जाएगी या पोजीशन का फंक्शन दी जाएगी. देयर मस्ट बी सम ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विच वेलोसिटी इज वेरिंग. सो अगर टाइम या पोजीशन किसी भी फंक्शन में वेलोसिटी दी गई है किसी क्वेश्चन में या किसी सिचुएशन में जिस पे बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ये ध्यान रखें ये सारे केसेस हमारे आएंगे कॉन्सेप्ट K2 के अंडर में. कॉन्सेप्ट K2 है वेरिएबल वेलोसिटी. जब भी कभी वेलोसिटी टाइम या पोजीशन के साथ चेंज होगी तो आप दिमाग में कॉन्सेप्ट K2 को अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट K2 को अप्लाई कैसे करना है, इन बोथ द केसेस जब टाइम या पोजीशन के साथ वेलोसिटी चेंज होगी तो सबसे पहले आप वेलोसिटी को लिखेंगे dx/dt. उसके बाद सेकेंड स्टेप आपकी होगी जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे step 1. इसके बाद आपकी सेकेंड स्टेप होगी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. आप वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे इक्वालिटी के दोनों तरफ. यहाँ पे अगर आप देखें टाइम या पोजीशन फंक्शन है, जब वी को dx/dt लिखेंगे तो सिर्फ इक्वेशन में दो वेरिएबल्स रहेंगे, एक एक्स और एक टी. दोनों को इक्वालिटी के साइड में सेपरेट करें जो हमारी है step 2. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन करके हम उस क्वेश्चन में जो डिजायर्ड पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे. आप सिर्फ इतना सा ध्यान में रखें कि अगर पोजीशन हमें गिवन है तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होती है. अगर वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके आप पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से कॉन्सेप्ट K2 यानी इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ. कई क्वेश्चन नीट में या JEE मेन में पूछे जाते हैं, बट हम उसी ईज के साथ JEE एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी देखेंगे. स्टे ट्यून. पोजी प्लीज वाइप द बोर्ड. सो हम एक इलस्ट्रेशन कवर अप कर रहे हैं जिसमें हमें दिया गया है एक पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2t+5 और हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम t=0 टू t=2 सेकेंड. जो हमने अभी बात करी थी कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. बट आप सबसे पहले ये दिमाग में लाएं कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है यानी वेलोसिटी वेरी कर रही है. सो फर्स्ट पॉइंट विच नीड टू स्ट्राइक टू योर माइंड इज कॉन्सेप्ट K2. सो यहाँ पे K2 कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए मेरे को जो पहला स्टेप करना पड़ेगा वो होगा आई राइट वेलोसिटी एज dx/dt जो दिया गया है 2t+5. दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप. और सेकेंड स्टेप होगा मुझे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है यानी dx=2t+5 dt. मैं यहाँ पे dt को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो x और t दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए. अगला थर्ड स्टेप हमारे पास फाइनल है इंटीग्रेशन. तो इसी फंक्शन को dx=2t+5 dt को मैं इंटीग्रेट करूँगा जिसमें लिमिट्स अगर मैं देखता हूं तो टाइम की लिमिट t1 से t2 अप्लाई की जा सकती है 0 से लेके 2 सेकंड तक. सो हम यहां पे लेते हैं t1=0 पे पोजीशन थी पार्टिकल की x1 और t2=2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन थी x2. सो x1 और x2 का डिफरेंस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा. सो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टली आप देख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन x लिमिट्स फ्रॉम x1 to x2. राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन. अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है आप फजल गैलेक्सी वेबसाइट पे जाके बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन के टॉपिक के अंदर आप सारे वीडियो सिक्वेंशली देख सकते हैं. बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर सॉलिड एंगल जो काफ़ी यूज होते हैं फिजिक्स में, वो सारे बेसिक टूल कंप्लीटली वीडियोज फॉर्म में अवेलेबल हैं. यहाँ पे विल डायरेक्टली इंटीग्रेट द फंक्शन गिवन. सो 2t का इंटीग्रेशन होगा t², 5 का इंटीग्रेशन होगा 5t. लिमिट हम डालेंगे 0 से 2. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आता है x2 - x1 जो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है. राइट हैंड साइड 2 का स्क्वायर इज 4+5 × 2 - लोअर लिमिट व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस बिकम्स 0. सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है 4+10 यानी 14 मीटर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. अगर आप ध्यान से देखें बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है जिसमें हमको सिंपली वेलोसिटी को dx/dt लिखना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, इंटीग्रेट करके लिमिट डालनी है, आपके पास रिजल्ट आ जाता है. लेट अस टेक अप सम मोर इलस्ट्रेशन जो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम हायर लेवल पे लेके चलते हैं. पोजी प्लीज क्लियर द बोर्ड. अभी जो हमने इलस्ट्रेशन लिया उसमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दी गई थी. एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें वेलोसिटी पोजीशन फंक्शन होगी. पोजी प्लीज वाइप द इलस्ट्रेशन. यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी अल्फा रूट एक्स, यानी पोजीशन के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है.
स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 0, कई क्वेश्चंस में हमें स्टार्टिंग कंडीशन दी जाती हैं जो हमारे लिए एक हेल्प होती है इंटीग्रेशन की लिमिट सब्सटीट्यूशन के लिए. और हमें यहां कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकंड टू 5 सेकंड. सो किसी भी क्वेश्चन के लिए हमारे पास तीन ही बॉडी के पार्ट होते हैं, पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा स्टार्टिंग या एंड कंडीशंस, तीसरा क्या पूछा गया है हमें क्या कैलकुलेट करना है. स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता चल रहा है वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कॉन्सेप्ट K2 से हमको इस क्वेश्चन पे अटैक करना है. x इक्वल टू 0 पे t 0 है, ये इंटीग्रेशन की लिमिट होगी. और हमें क्या कैलकुलेट करना है उस चीज़ के ऊपर आइए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन में हमसे पूछा गया है हमें निकालना एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टाइम दिया गया है t1 टाइम से t2 टाइम तक. सो अगर हम ये कंसीडर करें t1 टाइम पे पोजीशन x1 थी, t2 टाइम पे पोजीशन x2 थी, तो मैं डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ पोजीशंस निकालनी है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार निकालने हैं एट टाइम 2 सेकंड एंड 5 सेकंड. सो वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. हम कॉन्सेप्ट K2 को यूज करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे वेलोसिटी को dx बाई dt जो दिया गया है अल्फा रूट एक्स. नेक्स्ट स्टेप होगी वेरिएबल सेपरेशन. x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं dx बाई रूट एक्स. मैं रूट एक्स को लेफ्ट में ले लेता हूँ, dt को राइट में ले जाता हूँ अल्फा dt. अल्फा कॉन्स्टेंट है, उसे किसी भी तरफ रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगली स्टेप होगी हमारी इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में t इक्वल टू 0 पे हमें दिया गया है पोजीशन x इक्वल टू 0 और टाइम t1 यानी 2 सेकंड पे हमारी पोजीशन हमने ली x1. अब ध्यान से देखें, लोअर लिमिट हमें सारी पता है, यहाँ भी 0 ही लिख देते हैं, और अपर लिमिट टाइम की पता है, यानी ये फंक्शन रिड्यूस होगा एक सिंगल इक्वेशन में सिर्फ x1 की, जिसको सॉल्व करके हम x1 निकाल पाएंगे. सो अगर इंटीग्रेट करते हैं 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू x1, राइट हैंड साइड अल्फा dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू 2, फर्दर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 2 रूट x1 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा. 2 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास x1 की वैल्यू निकल के आती है अल्फा स्क्वायर. इसी तरीके से सिर्फ लिमिट को चेंज करके आप x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसी फंक्शन में आप 2 को 5 सब्सटीट्यूट कर दीजिए और x1 को x2 डाल दीजिए, क्योंकि इनिशियल कंडीशन सेम है, हमको 5 सेकंड पे पोजीशन x2 निकालनी है. सो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज होंगी, 2 रूट एक्स की लिमिट होगी 0 से x2 और अल्फा टी की लिमिट होंगी 0 टू 5. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आता है 2 रूट x2 इज इक्वल्स टू 5 अल्फा, यानी यहाँ से x2 की वैल्यू आती है हमारे पास 25/4 अल्फा स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 6.25 अल्फा स्क्वायर. और अगर x1 और x2 निकल गए जो पोजीशंस हैं t इक्वल टू 2 और 5 सेकंड पे, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपनी एवरेज वेलोसिटी में x1 x2 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, जो है 6.25 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इज 5 माइनस 3, जो हमारे पास आता है 5.25 डिवाइडेड बाई 3 अल्फा स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आप ध्यान से देखें, चाहे वेलोसिटी टाइम फंक्शन हो या पोजीशन फंक्शन हो, मेथडोलॉजी कॉन्सेप्ट केवल उसी तरीके से अप्लाई होगा. आपको dx बाई dt लिखना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, लिमिट लगानी है, इंटीग्रेट करना है, एंड योर रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स टेक अप वन मोर इलस्ट्रेशन क्विकली. पोजी बोर्ड क्लियर करें. जो भी इलस्ट्रेशन हमने अभी लिए हैं उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर वेलोसिटी टाइम के या पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, आप उसे dx बाई dt लिख के इंटीग्रेट करें, आपको पोजीशन मिलेगी और आप क्वेश्चन में पूछे गए डिजायर्ड पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं. एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं. पोजी प्लीज वाइप करें. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी a माइनस bt स्क्वायर. यहाँ पे a और b हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, बट टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है. हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन इट्स मोशन. मैक्सिमम पॉसिबल से समझ में आता है इस क्वेश्चन को, शायद मैक्सिमम मिनिमा से भी किया जा सकता है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो स्ट्राइक करता है वो है कॉन्सेप्ट K2. और थोड़ा सा आप केयरफुल भी रहिए यहाँ पे. अगर वेलोसिटी फंक्शन को ध्यान से देखेंगे सो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम का फैक्टर नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी कम होती जाएगी. और हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्वेश्चन देख के पता चलता है, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी कम होते होते जीरो होगी, उसके बाद ये पार्टिकल रिटर्न करेगा, क्योंकि उसके बियॉन्ड टाइम पे ये फैक्टर बड़ा होगा और वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी.
यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे है जहां वेलोसिटी जीरो होती है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाता है। सो अगर आप केयरफुली क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, हमेशा क्वेश्चन की डेप्थ को समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर क्वेश्चन को, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट, उतनी ही सीरियसनेस के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सो आइए अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले वो टाइम निकालेंगे जहां वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि उसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। सो यहां पे हम यूज करेंगे v इक्वल्स टू ए माइनस बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करने पे हमें टाइम इंस्टेंट मिलता है रूट ऑफ ए बाई बी। इसको हम टी नॉट इंस्टेंट कह सकते हैं। ये वो टाइम इंस्टेंट है जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो इंस्टेंट है जहां पे कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। यानी इस क्वेश्चन में अब हमें वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो इस टाइम पे होगा, जिसके लिए हम अपना कॉन्सेप्ट की टू यूज करेंगे। वी इक्वल्स टू विल राइट इट एज डी एक्स बाई डी टी, जो है ए माइनस बी टी स्क्वायर। आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें, डी एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टी स्क्वायर डी टी। इसके बाद अगली स्टेप है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स बहुत केयरफुली डालेंगे। t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन गिवन नहीं है, बट हम x1 ले सकते हैं। t इक्वल्स टू t नॉट पे डिस्प्लेसमेंट को हम x2 कहते हैं। और अगर लिमिट यहाँ t नॉट है, इसका मतलब x2 माइनस x1 की जो वैल्यू आएगी, ये हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि हम इस टाइम t नॉट पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, दिस गिव्स यू ए टी माइनस बी टी क्यूब बाई थ्री। और लिमिट सब्सटीट्यूट करें जीरो से टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो है रूट ऑफ ए बाई बी। अगर वैल्यू सब्सटीट्यूशन करते हैं सो हमारे पास आता है ए मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ए बाई बी माइनस बी बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ए बाई बी का क्यूब। फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास आती है ए टू पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई बी टू पावर वन बाई टू माइनस, ये हमारे पास आता है, एक बी कैंसिल हो जाएगा, ए टू पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री टाइम्स बी टू पावर वन बाई टू। सो वन माइनस वन बाई थ्री आप फर्दर लिख सकते हैं टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई, एक ए अगर कॉमन लेते हैं तो दिस ए मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ए बाई बी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर द गिवन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ूंगा मैक्सिमा मिनिमा से। हिंट मैं दे देता हूं आपको, आप v को dx बाई dt लिख के जब इंटीग्रेट करें तो लिमिट सब्सटीट्यूट मत कीजिए, आप 0 टू t और 0 टू x डालिए, या 0 भी मत डालिए, आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कीजिए। यहां से आपके पास एक्स आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर पोजीशन आ जाती है तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए उस पोजीशन को डिफरेंशिएट करके जीरो कीजिए, आपके पास टाइम निकल के आएगा। वो टाइम उसी इक्वेशन में वापस डालिए, आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ सॉल्यूशन वही है जो इस क्वेश्चन का है, सॉल्यूशन के अंदर फर्क नहीं है, बट सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कॉन्सेप्ट के टू को और स्ट्रेंथन करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन आप फॉलो करना चाहते हैं तो फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम वन के अंदर बहुत सारे आपको इस तरह के इलस्ट्रेशन मिलेंगे टाइम और डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन के। आप कई इलस्ट्रेशन फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाइए। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट के टू को मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे लेके गए हैं। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए जेई एडवांस लेवल तक भी पूछा जा चुका है, और जेई मेन, जेई एडवांस या नीट किसी भी जगह पे क्वेश्चन के लेवल का फर्क हो सकता है, कॉन्सेप्ट फंडामेंटली वही है। और मैं फिर कहूँगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अपनी सीरियसनेस बरकरार रखते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हुए और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए कंफर्टेबल रहते हैं, तो आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में उस क्वेश्चन को फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद हाइब्रिड फिजिक्स टिल नेक्स्ट क्लास। विश यू ऑल द बेस्ट।